के बाद आपका स्वागत है 23 मार्च 1931 इस तारीख को बचपन से लेकर आज तक हमने कई बार पढ़ा होगा लेकिन फिर भी हम इस तारीख को इसकी महत्ता को शायद भूल जाते हैं नज़रअंदाज करते हैं आज हमारी कोशिश नेटवर्क टेन की कोशिश यही है कि इस तारीख को याद किया जाए उस जज्बे को याद किया जाए जिस जज्बे के चलते इन तीनों ने इन तीनों शहीदों ने अपनी प्राणों की आहुति दे दी भारत माँ के चरणों में आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं हमें कॉल कर सकते हैं आ, स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले नंबर्स पर फिलहाल एक दर्शक देहरादून से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं क्या कहना चाहेंगे आप हेलो जी क्या कहना चाहेंगे आप हाँ जी मैं ये चार कविता की लाइन पढ़ रही हूँ जी मिल सब धर्मों के रक्तों ने ही धरती का कोना कोना सीता है बंदी पड़ी थी जो तुम्हारी सा तोड़ उन्हें खींचा है कर गोद अपनी माँ की सुनी धरती माँ की गोद भर डाली थी पर तंत्रों को स्वतंत्र करने के को सुनी उन्होंने वो मौत मत वाली थी और इन कविता के रूप में मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ मेरे तो आंसू आ रहे हैं देखे प्रोग्राम चलिए उत्तरा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन पंक्तियों के साथ श्रद्धांजलि दी है उत्तरा ने आप, आप भी कॉल कर सकते हैं हमें इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं कॉलर सूर्यभान डॉक्टर सूर्यभान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हल्द्वानी से डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे आप जी जी हेलो जी क्या कहना चाहेंगे आ, मैं ये कह रहा था सर जी। कि सबसे बड़ी चीज यह है कि आपने एक ऐसी पहल की है जिस समय की समाज की प्राथमिकताएं इस तरीके से हो गई हैं कि निजी हित सार्वजनिक हित पे हावी हो गया है ऐसे समय में स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानियों आज जैसा कि सुखदेव राजगुरु भगत सिंह की शहादत के दिवस पर आपने जो पहल की है निश्चित रूप से इस पहल को और आगे बढ़ाएंगे आप ऐसी हम उम्मीद करते हैं और देश के आम नवयुवक इस कार्यक्रम से जुड़ करके उन आदर्शों और उन मूल्यों पर चलने का सतत प्रयत्न करेंगे इसी उम्मीद के साथ हम आपको एक बार पुनः शुभकामनाएं देते हैं और धन्यवाद देते हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब डॉक्टर सूरज भान हल्द्वानी से थे एक दर्शक नेटवर्क टेन की कोशिश हमेशा से यही रही है उन मसलों को उन मुद्दों को उठाए जो कहीं ना कहीं सीधे जुड़ाव रखते हैं आपसे कई पंकज पंत इस समय हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं हल्द्वानी से पंकज क्या कहना चाहेंगे आप सर मैं कहना चाहूंगा कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले वतन मरने वालों का यही निशा होगा जी बहुत बहुत जी एक मैंने अपना बनाया हुआ एक अपना ठीक खड़ा था हलवानी बाजार में बजे से शाम के चार देखते जी. ही देखते आतंकवादियों ने हमारे जवान की गाड़ी गिराई कहीं सर पड़ा कहीं हाथ पड़ा माँ उस बेटे के इंतजार में बैठी है और कह रही है मेरा देश महान है बाबू और सुभाष उसकी शान है जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन पंक्तियों के लिए अपनी भावनाएं पंक्तियों के माध्यम से कविता की पंक्तियों के माध्यम से उजागर करते हुए दर्शक श्रद्धांजलि देते हुए अपने अपने तरीके से एक और दर्शक इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं आ, रतन क्या कहा से बोल रहे हैं आप और क्या कहना चाहेंगे सर मैं तो बोल रहा हूँ जी रतन जी क्या कहना चाहेंगे आप सर मैं आपको बहुत बहुत बधाई करता हूँ जी एक कार्यक्रम दिखाने के लिए आप सचमुच बढ़िया ज्ञान कार्यक्रम दिखाते हैं जी आपका समस्या और समाधान कार्यक्रम भी प्रशासक हूँ मैं जी जी और जी बहुत बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लगातार नेटवर्क टेन की कोशिश यही है कि उन मसलों को मुद्दों को उठाया जाए जिनका सीधा सरोकार आपसे है समाज से है और कहीं ना कहीं उन चीज़ों उन मुद्दों पर भी हम बहस छेड़ते हैं जिन्हें शायद समाज के लिए हितकारी हैं समाज और अपने इतिहास से जुड़ी हुई तमाम बातों को हम लगातार दिखाते रहेंगे अनिल इस समय एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल क्या कहना चाहेंगे आप भैया जी मैं रुड़की से अनिल कुमार शर्मा बोल रहा हूँ जी मैं ये कहना चाहता हूँ हम इन तीनों शहीदों के बलिदानों को भूल चुके हैं आजकल ये जो नेता लोग आपस में ही लड़ रहे हैं जी इनके बलिदान को भूल के अपने हित को सोच रहे हैं जी देश का कोई नहीं सोच रहा है चलिए अनिल बहुत बहुत शुक्रिया ये शायद इसलिए भी है क्योंकि हम उस शहादत को भूल गए हैं उस सपने को भूल गए हैं जिन्होंने जिनकी वजह से आज हमें आजादी मिली है उस सपने को हम कहीं ना कहीं भूल गए हैं तो आज नेटवर्क टेन की कोशिश यही है कि किसी तरह से उस सपने को उस शहादत को फिर से याद दिलाया जाए उन नेताओं को आमजनों को जो इस शहादत को भूल चुके हैं अपने व्यस्त कार्यक्रम में से कुछ पल निकाल के श्रद्धांजलि जरूर दीजिए इन तीनों शहीदों को 23 मार्च 1931 का वो दिन भी जरा याद करते हुए एक और दर्शक हमारे साथ देहरादून से जुड़ रहे हैं जी क्या कहना चाहेंगे आप हेलो जी क्या कहना चाहेंगे आ, आ? मैं उमा जोशी बोल रही हूँ देहरादून से जी उमा जी क्या कहना चाहेंगी आप मैं प्रथम आपको बहुत हार्दिक धन्यवाद देती हूँ जी जो आपने आज इतना हमारे देश के महान क्रांतिकारी उनके लिए जी। सभी दर्शकों को देश को उनके विषय में याद दिलाने का एक जो अच्छा शुभ कार्य किया इसके लिए धन्यवाद और उन तीनों भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी को महान क्रांतिकारियों को भी हमारा बहुत बहुत कोटि कोटि नमन और सदा उनको हम सब याद करें पूरे देश उनको याद करें कोटि कोटि नमन चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका लगातार दर्शक हमें दर्शक कॉल कर रहे हैं आप भी हमें कॉल कर सकते हैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कीजिए श्रद्धांजलि दीजिए इन तीनों शहीदों को इनकी शहादत को सलाम कीजिए आज के दिन जब समय मंदिर जाने का हो रहा है उससे पहले इन देश भक्तों की भक्ति को सलाम करते चलिए दिन अच्छा गुजरेगा आपका फिलहाल हम आपको दिखाएंगे वो सोच जिस सोच के सहारे ये इतना बड़ा आंदोलन चला भगत सिंह आज भगत सिंह हैं भगत सिंह की वो सोच क्या थी क्या थी वो सोच जिसके कारण एक आंदोलन में आजादी के आंदोलन में एक नई ऊर्जा का जन्म हुआ